हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया काउंट इफ फंक्शन। ठीक है, एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का यूज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, काउंट का मतलब अभी तक आप समझ चुके हो, तीन चार सीरीज ला दे, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। काउंट का मतलब है सिंपल काउंट करना। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, मतलब मैं कंडीशन दूंगा तो काउंट करने का काम ही करेगा, यानी कि मैं फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, तुम काउंट करने का ही काम करोगे, लेकिन एक कंडीशन ये मैच हुआ तो काउंट करना, वही चीज। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अभी आपके सामने एक डेटा रखा है स्टोर। ठीक है, आइटम है, ईयर्स है, क्वांटिटी, यानी कि ये जो स्टोर है ये सब मोबाइल 2014 में 15 16 जो भी डेटा है इतनी क्वांटिटी सेल आउट किया है। ठीक, इस तरह से है। ठीक है, सैमसंग है, रेडमी 2 है, सैमसंग एस, और ये जो सर्विस है, इन सब मोबाइलों को 2014 में इतना क्वांटिटी में पीस इनको सर्विस किए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे हम लोग देख लेते क्वेश्चन क्या है। नीचे है, हमसे पूछा गया हाउ मेनी सैमसंग हैव बीन ब्रॉट, कितने मोबाइल सैमसंग के खरीदे गए। ठीक है, अभी सैमसंग के जो सिंपल है, कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आपको किस तरह से यूज करना है ये देखिए। यहाँ पे है टोटल सैमसंग 1 और ये 2। ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ ये दोनों को, आपको नजर में आया सैमसंग। ठीक है, हाउ मेनी रेडमी 2 हैव बीन ब्रॉट, सेम कंडीशन, सेम 1 2 3। ठीक है, आज तो डेटा कम है, चलिए 10 डेटा है गिन के मान लीजिए, लेकिन कल की 10,000, क्योंकि ये सब जो मोबाइल कंपनी बहुत तेजी से इंडिया में ग्रोथ कर रही है। ठीक है, 10,000 हो तो आप क्या गिनने बैठोगे? नहीं, तो फॉर्मूले के थ्रू यूज करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री भी है कि जहाँ पे काउंट ही सम ये बी लुकअप एच लुकअप वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूज लोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर्मूले का काम वही है, तरीके कंडीशन कैटेगरिया प्रोडक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट या फिर करता क्या है तो आप किसी भी कंडीशन में किसी सूरत में ढाल सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा बोलता हाउ मेनी आइटम क्वांटिटी 100 और 100 अबाव। ठीक है, बहुत से फंडा है। ठीक है, 100 एंड 100 अबाव, ये किस तरह से, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन, ये जो भी रेंज बता रहा है, मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये रेंज बता रहा है कि जो भी है, ये जो भी सेलेक्ट किया है रेंज क्या हो, ये जो सिग्मा होता है दो, जिसके पास दो हाथ लिख रहे हैं इस तरफ, ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, और जिसके पास एक है तो वो छोटा है, ये बोलता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। ठीक है, बोलता है जो भी स्टोर जिसने क्वांटिटी सेल आउट किए हैं या खरीदे हुए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ द नेम जो भी है, ठीक है, टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू बी काउंट। ठीक है, ये सर्विस टोटल मोबाइल को कितनी सर्विस मिली, दो, बहुत ही ईजी तरीका। चलिए मैं एक एक करके मैं बता देता हूँ इसमें। सबसे पहला मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इक्वल टू काउंट क्या है, काउंट इफ है। ठीक है, आपको इफ इफ्स भी है, यानी कि ये वन टाइम कंडीशन मैच करता है, ये कंडीशन में कंडीशन मैच करता है। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से अगर समझाना चाहूँ, एक बार आपने कंडीशन दे दिया, इसमें एक कंडीशन हो गया सैमसंग हो तो बता, लेकिन काउंट इप्स में सैमसंग हो, फिर उसका मॉडल नंबर ये हो, फिर वो इंडिया का प्रोडक्ट हो, फिर ये ब्रांच का हो, उसमें कंडीशन मैच कर करके काउंट इप्स यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे काउंट इप्स सीखते हैं, कुछ अगले वीडियो में सीखेंगे, आने वाले वीडियो में बनाऊंगा मैं काउंट इप्स के बारे में भी, उसमें मेंशन कर दूंगा। चलिए काउंट इप्स, सबसे पहले ये पूछता है रेंज। आप इस फॉर्मूले को समझाओ, रेंज क्या है। ठीक है, आपका जो डेटा है उसका सेलेक्ट कर दो, आंसर आपको किस में से चाहिए। ये सिंपल पूछ रहा है कितने सैमसंग मोबाइल बेचे हुए, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपका डेटा इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको रेंज बताओ, ये क्वांटिटी ना इसमें से सेलेक्ट कर ले। ठीक है, अगर कुछ और भी ऐसे डेटा है यहाँ पे तो ड्रैग डाउन करते समय ये रेंज को लॉक कर देने का, सेलेक्ट करके F4 से लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे कोई ड्रैग डाउन नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशन कंप्लीट हुआ, राइट, कंडीशन कंप्लीट होने के बाद कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद क्रिटेरिया बोलता है कि वो चीज़ क्या है वो मुझे बताओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट सैमसंग को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन ड्रैग करने के बाद ये वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, नहीं तो इसको लॉक करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के क्वेश्चन डबल कोटेटेड, आपको इसमें लिखना है सैमसंग, ठीक है, डबल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा 1 ब्रैकेट 1 और ये इंटर, ठीक है। अभी क्या गलती हुई है, जरूर स्पेलिंग में हुई होगी, ठीक है, सैम SAM सैम संग, मुझे नहीं लगता है स्पेलिंग में गलती होगी। क्यू ऐसा काउंट इफ, एक बार रिटर्न हम लोग यूज करते हैं, काउंट इफ रेंज बोलता है, रेंज दे देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा ये है सैमसंग है, सैमसंग ले लेते हैं, ये 0 क्यों दे रहा है, ठीक है। सॉरी, हमने क्या यहाँ पे गलती की है, ठीक है, हमको पीस काउंट करना है, हम ना कि हम क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी हो गया, आपको ऐसा नहीं करना है, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, सेलेक्ट करना है, हमको क्या करना है, पीस ये जो नाम लिखे ये काउंट कराना है ना, कितने सैमसंग के हैं, हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा पे आप लिखिए सैमसंग, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए और ये एंटर मारिए, ये देखिए दो। उसी तरह से ये Redmi 3 आपको सेलेक्ट करना, उसी तरह से ये क्वांटिटी है ग्रेटर देन लेस देन, आपको सेम अगर रेंज में पूछा है क्वांटिटी में पूछा तो क्वांटिटी में जाइए, डेटा चेंज कीजिए, मैं बोलता हूँ इक्वल टू और लेस देन, 100 से कितने कम हुए वो बता, 100 से कम 3 हुए, चलिए ऐसा है क्या, 1 2 और ऊपर भी है क्या, ये देखिए 3, ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और ये टाइप ऑफ द नेम ऑफ द आइटम टू काउंट सर्विस सेम काउंट इफ किया है, इस तरह से देखिए सर्विस नेम इधर भी लिख सकते हो, लाइक जैसे मैं मान लीजिए इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ ले लेता हूँ, क्रिटेरिया दे लेता हूँ, नंबर ऑफ सर्विस कितने टाइम्स आया है, काउंट करने का काम है और कुछ नहीं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा डाउन साइड में ये मैं सेलेक्ट कर लो, यानी कि मैं इस एक्सेल को बता रहा हूँ, मैं इस जगह पे लिखने वाला हूँ, सेलेक्ट कर दिया सर्विस, ठीक है, यहाँ पे मैं मैक्स अगर लिखता हूँ, ठीक है, ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्स दिया हुआ है, एक बार ही दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से भी आप काउंट इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप और लोग को इजी हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर वीडियो लाइक है, करने लायक है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें भी और लोगों तक पहुंचे, और जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आप ऑनलाइन यूट्यूब से ये वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो और ये एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, यहाँ पे आके ये जो है मेरा वेबसाइट है फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डॉट बिजली डॉट कॉम, यहाँ पे विजिट करके आप वहाँ से एक्सेल फाइल डाउनलोड करके भी इसी में प्रैक्टिस करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।